क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? मैं वही हूँ जिसने दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है। जी हाँ, मेरा नाम है वायरस। क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं आखिर क्या हूँ, क्या मेरा नेचर है, मैं कहाँ रहता हूँ और मैं किस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाता हूं और इतना फेमस होता हूं। तो मुझे देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो में क्या आने वाला है तो वो तो आपने वायरसेस के मुंह से सुन लिया। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना और एंड में आप ही लोग निपट लेना इन वायरसेस से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वायरस जो वर्ड है, ये वर्ड सुनते ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठा होगा कि आखिर ये जो वायरस है वो होते क्या है। वायरस जो है एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। वायरस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्लिमी लिक्विड, यानी कि घिनौना पदार्थ या घिनौना तरल, जिसको आप लोग पॉइजन भी कह सकते हैं। देखिए, विषाणु जो वर्ड है वो ही अपने आप में ही इसकी डेफिनेशन बताता है। विषाणु का अर्थ होता है विष के अणु, यानी कि विष के अणु ही आपके विषाणु कहलाते हैं। देखिए होता क्या है, वायरस जो होते हैं एक छोटे आकार की एक सरल संरचना रहती है। ये जो ये संक्रामक एजेंट रहते हैं, इन्फेक्शन जो एजेंट होते हैं, इन्फेक्टेड एजेंट होते हैं, उनके माध्यम से जो केवल जानवर, पौधे और जो बैक्टीरिया है उनमें की जो जीवित कोशिका में जाकर अपने आप को कई पार्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं जाके। तो देखिए ये जो वाली प्रोसेस है, इसको मैं अभी आपको डायग्राम से भी बताऊंगा। तो अभी आप इवन ये समझिए कि जो वायरस है वो आपके बैक्टीरिया और आपके पेड़ पौधे इन सबको इन्फेक्ट कर सकते हैं, ओके। और जो हमारा सूक्ष्म जीव विज्ञान है, उसके जो जनक है वो एंटोनी वॉन लेवेनहॉफ को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखना। देखिए इन्होंने क्या कहा था, सर्वप्रथम स्वयं निर्मित जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक जीवाणुओं को देखा था, ओके। और वो सूक्ष्मदर्शी इन्होंने खुद ही बनाई थी। विषाणुओं की जो खोज करी थी वो रूस के वैज्ञानिक एवान वस्की, कौन सा वस्की, इवान वस्की। तो दोस्तों इवान वस्की का नाम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने इसकी जो खोज करी थी वो 1892 में करी थी, तो इसको आप ध्यान रखना। देखिए जो विषाणु होते हैं इनका जो साइज रहता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा रहता है। इवन जो हमारी कोशिका रहती है वो कोशिका से 100 टाइम छोटा रहता है, तो इसको आप ध्यान रखना, ये काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। वायरस जो होते हैं हमारे पृथ्वी की मोस्ट फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट होते हैं, यानी कि आप ये समझिए कि जो वायरस की संख्या अगर हम लोग अर्थ में देखेंगे तो वो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनसे कई ज़्यादा है, कई गुनी है। और उसके बाद जो है अदर जो है ऑर्गेनिज्म आते हैं, ओके। वायरस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। वायरस जो होते हैं वो प्रोटीन कोट के बने होते हैं, और इनमें जो आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो डीएनए हो सकते हैं और आरएनए, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल हेलिक्स भी होते हैं और डबल हेलिक्स भी होते हैं। देखिए यहाँ पर जो कई बार इनमें एक एनवलप नाम की मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, ये जो है ये वायरस की नहीं बनी होती है, ये जो आपकी होस्ट सेल होती है जहाँ पर वायरस प्रवेश करते हैं वो कोशिका से इसको प्राप्त होती है, और जिसके कारण जो कोशिका है उसको वायरस को पहचानने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ओके। तो ये जो एनवलप है ये वायरस की नहीं बनी होती है, इसको आप ध्यान रखना। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। हमको इफेक्ट कैसे करता है, देखिए जब भी कोई भी खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से क्या निकलते हैं, वायरस निकलते हैं। और ये वायरस क्या होते हैं, आपके मुंह के माध्यम से या नाक के माध्यम से आपके शरीर में इंटर कर जाते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये हमारे शरीर में जाके हमारी सेल को इंपैक्ट करते हैं। देखिए ये जिस सेल में जाते हैं उस सेल को हम लोग होस्ट सेल कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, वायरस इस सेल में एंटर कर दिया है, यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो देखिए जब ये सेल में एंटर कर देते हैं तो ये अपने आप में एक क्या करते हैं, प्रोटीन को रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इनका मटेरियल क्या होता है, ये सेल के अंदर बहुत सारा हो जाता है। तो ये जो करते हैं बाद में इसी सेल के अंदर बहुत सारे वायरसेस बना देते हैं। तो कुछ समय बाद क्या होता है, इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ये जो सेल है इस सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मर जाती है। उसके बाद ये जो वायरसेस है ये बाहर हो जा निकल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और फिर दूसरी सेल को इम्पैक्ट करते हैं, ओके। तो इस तरह से ये जो है इसकी प्रोसेस होती है। तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए जो वायरसेस होते हैं, अभी हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर देखा था कि इसका ये जो होते हैं प्रोटीन कोट के बने होते हैं और इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि जो वायरसेस होते हैं वो सेल के नहीं बने होते हैं। तो ये तो जो होते हैं वो सजीव नहीं होते हैं, तो ये निर्जीव भी नहीं होते हैं। देखिए आप ये समझिए कि जो वायरसेस होते हैं ये तो ना तो नॉन लिविंग होते हैं और ना ही लिविंग होते हैं, ठीक है।
ये इन दोनों के बीच की कड़ी होती है। जैसे कि मैंने आपको बायोलॉजी के मास्टर वीडियो में पढ़ाया था कि बीच की कड़ियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए आपको दिख रहा होगा जो सजीव और निर्जीव है इन दोनों के बीच की कड़ी जो है वो विषाणु है। जैसे जंतु और पादप के बीच की जो कड़ी है वो क्या है, युग्लिना है। तो इस तरह से विषाणु क्या है, दोनों के बीच की कड़ी है। अब देखिए इसी कारण यही विशेषताओं, विषाणुओं की यही विशेषता के कारण उन्हें ये जो पांचों किंगडम है कहीं पर भी जगह नहीं मिली है। पांच जगत आपने मालूम बताया था मैंने आपको अच्छे से कि पांच जगत कौन कौन से होते हैं, इनमें से कहीं पर भी आपको वायरस की जगह नहीं देखने को मिलेगी। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इनका नेचर सजीव और निर्जीव दोनों होता है, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, पहले देखते हैं। निर्जीव जैसे देखिए ये जो है कोशा रूप में नहीं होता है, मतलब कोशिका के रूप में नहीं होता है, कोशा मतलब होता है कोशिका। देखिए इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ के भांति एक बोतल में भरकर कई वर्षों तक रखा जा सकता है। जबकि सजीव लक्षणों के बारे में बात करें, ये न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणक होता है, मतलब दो हेलिक्स होते हैं इसमें। ओके, किसी जीवित कोशिका में पहुँचते से ये सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और ये एंजाइम का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं, एंजाइम को रिलीज करते हैं। जितने भी जो विषाणु होते हैं उनमें से एक प्रकार के विषाणु जो होते हैं वो परजीवी होते हैं, परपोषी होते हैं, यानी कि पैरासाइट होते हैं। ओके, तो जो पादप विषाणु रहते हैं इनमें जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो आरएनए होता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, अच्छे से आपको ध्यान रखना। इसके बाद बात करें जो जंतु विषाणु, इसमें जो डीएनए होता है ये कभी कभी जो है आरएनए भी पाया जाता है इनमें। इसके बाद बात करें बैक्टीरियोफेज, देखिए जीवाणु भोजी ये केवल जो है जीवाणु पर ही आश्रित होते हैं, मतलब बैक्टीरिया पे ही आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं। देखिए ये जो जीवाणु को मार डालते हैं इनमें डीएनए पाया जाता है, जैसे कि टी फेज टू, देखिए टी टू फेज, इसको आप ध्यान रखना। देखिए कुछ चीज़ आपको नोट करनी चाहिए कि जैसे विषाणु अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, जिस विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट्रो विषाणु कहते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। देखिए जिस डीएनए जिनमें डीएनए होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडिनो विषाणु। तो आरएनए को रेट्रो विषाणु और डीएनए वाले को क्या कहते हैं, एंडिनो विषाणु। तो इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए ये कुछ वायरसेस की शकल है, इनको आप पहचान लीजिए, ठीक है। देखिए मैं वायरसेस की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी हम लोग बात कोरोना वायरस के बारे में भी कर लेते हैं। देखिए इसके बारे में आपको सब कुछ मालूम चली गया आई होप, क्योंकि इतना ट्रेंडिंग टॉपिक है, इतने सारे न्यूज़ वगैरह सब लोगों ने इसको काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। तो आप लोग को मालूम है कि ये चीन के वुहान शहर से उठा था, हुबेई प्रदेश था। तो आज जो है लगभग 15 से 16 कंट्रीज से इफेक्ट हो गई हैं। तो देखिए इसके जो सिम्टम्स हैं आपको 2 से 14 दिन में देखने को मिलेंगे, और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं वो आपको मालूम ही है। और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, और प्रिवेंशन का आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर मुझे ये बताना है कि जो अभी WTO ने ऑफिशियल नेम दिया है इस वायरस को, तो वो ऑफिशियल नेम क्या है, चलिए वो भी छुड़िए, मैं ऑफिशियल नेम आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल नेम आपका दिया है कोविड 19, ठीक है। तो इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, कोविड 19 का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए कोरोना वायरस के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कोरोना वायरस अपने आप में कोई वायरस नहीं है, कोरोना वायरस जो है वो एक फैमिली का नाम है। ओके, जिसके अंदर आपके आते हैं MERS, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दूसरा आता है हमारा SAERS कोरोना वायरस, जिसमें आता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके बाद नोवल कोरोना वायरस, इसको हम लोग कोविड भी बोल रहे हैं। अब वो कोविड का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। तो ठीक है, कोरोना वायरस कोई एक वायरस नहीं है, कोरोना वायरस जो है एक फैमिली का नाम है, इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आता है कि क्वेश्चन में एग्जाम आते हैं कि ये जो डिसीज है वो किस वायरस के कारण होती है। तो इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेंगे कि जैसे कि पहले है हमारा एड्स, तो एड्स का से जो हमारा अंग प्रभावित होता है वो हमारी WBC होती है। हमारे शरीर में जो है RBC और WBC, ये आपको मालूम है कि दो पाई जाती हैं, तो ये किस विषाणु के कारण होती हैं, वो HIV के कारण होती है, ठीक है। HIV जो है वायरस का नाम है। तो इसमें लक्षण क्या होते हैं, इसकी जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। इम्यून सिस्टम में क्या होता है, इम्यून सिस्टम लगभग जो होता है डिसअपेयर्ड होने लगता है, समाप्त होने लगता है। इसके बाद हमारा आता है डेंगू ज्वर, जो कि हड्डी के तोड़ बुखार भी कहते हैं। देखिए इससे जो है संपूर्ण शरीर है आपका, खास करके जो आपका सिर और आँख और जोड़, ये प्रभावित होते हैं। ये किसके वायरस के कारण होता है, ये अरवो वायरस के कारण होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, आँखों पेशियाँ सिर और जोड़ दर्द, जोड़ों में दर्द, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पोलियो, इसके में गला रीढ़ नाड़ी आदि जो हैं ये प्रभावित होते हैं। ये कौन सा वायरस के कारण होता है पोलियो, ये पोलियो वायरस के कारण होता है। ओके, तो आपको तो ये आसानी से याद हो जाएगा, पोलियो जो बीमारी है वो पोलियो वायरस के कारण होती है। इसके बाद जो लक्षण, ज्वर होगा, बदन में दर्द होगा, से रीढ़ की हड्डी, हाथ की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद इन्फ्लुएंजा, ये पूरे शरीर में इफेक्ट करता है।
इसका जो वायरस का नाम है वो मैक्सिको वायरस है, इसको ABC भी बोलते हैं, ठीक है। इसका गलशोध, छींक और बेचैनी होती है इस समय। चेचक के बारे में बात करें, संपूर्ण शरीर आपको इफेक्ट होता है, वेरियोला वायरस के कारण होता है ये। तो तेज बुखार, शरीर के लाल लाल दाने बन जाते हैं इस समय, तो इसको आप ध्यान रखना। छोटी माता, चिकन पॉक्स बोलते हैं हम लोग इसे, पूरा शरीर, ये भी वेरिसेला वायरस। देखिए वेरियोला वेरिसेला में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। इसके बाद देख सकते हैं आप लोग खसरा, इससे पूरा शरीर आपका इम्पैक्ट होता है। इसमें जो आएगा आपका मोरबिली वायरस के कारण जो होता है ये इफेक्ट होता है। और लक्षण क्या रहते हैं, शरीर पर जो है वो लाल दाने पड़ जाते हैं। रेबीज देखते हैं, रेबीज जो है आपका तंत्रिका तंत्र इससे इफेक्टिव होता है, नर्वस सिस्टम। ये किस वायरस के कारण, रेबडो वायरस के कारण। रोगी पागल हो जाता है और जीभ बाहर निकालता है, ओके, तो इसको देख लेना आप लोग। इसके बाद हर्पीज, जो ये त्वचा हर्पीज के कारण होता है, ये त्वचा में क्या होती है, इसके कारण सूजन हो जाती है। देखिए एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ओके। देखिए मैं ह्यूमन डिसीज पे ऑलरेडी अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, तो वो वीडियो में हम लोग इन जितनी भी डिसीज हैं उसको अच्छे से करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको वायरस के बारे में थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रट लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड में आपके लिए क्वेश्चन कि व्हाट आर वायरसेस मेड ऑफ, तो वायरसेस किसके माध्यम से किसके बने होते हैं, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।